ओके गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ब्लू चिप कंपनी है। द नेम इज आईटीसी लिमिटेड, विच इज इंडिया टोबैको कंपनी। अर्लियर इट वॉज इम्पीरियल टोबैको कंपनी, राइट? इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1910, बट इन 1970 इट वॉज रीनेम टू इंडिया टोबैको कंपनी। ब्लू चिप कंपनी है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई मीन ये FMCG में है, होटल्स में है, सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर्स, एग्री बिजनेस, यू नेम इट एंड यू हैव इट। चाहे वो क्लासमेट की कॉपीज हो या दूसरे FMCG के प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल आ रहे हैं, राइट? सो इसके बारे में आई डोंट नीड टू यू नो आई मीन शेयर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस। सो आई जस्ट सी, मैं आप इससे सिर्फ रिजल्ट्स और टेक्निकल की बात करूँगा, राइट? ओके, तो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म दिस क्वार्टर। तो ये स्क्रीनर डॉट पे मैं आ गया हूँ, तो ये इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। एक प्रॉब्लम ये थी कि इस क्वार्टर में इसके मार्जिन्स बहुत कम आए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस यू नो क्वार्टर्स। 38-39 के नॉर्मल होते थे, तो 36%, सो मार्जिन्स कम रहे हैं, प्रॉफिट रिलेटिवली कम रहा है, बट YOY प्रॉफिट आई थिंक इट्स गुड, QOQ कम है। तो रिजल्ट्स मे बी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस, या हो सकता है अ लिटल बिट अंडर परफॉर्मिंग। इन्वेस्टर्स देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स FIIs की नॉर्मली यू नो होल्डिंग कांस्टेंट है, DIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पब्लिक अ लिटल बिट इंक्रीज, राइट? सो आई थिंक एवरीथिंग इज आई मीन फाइन ओवर हियर। तो लेट्स गो एंड सी द चार्ट्स नाउ। तो दीज आर द चार्ट्स, राइट? ये वीकली चार्ट्स हैं, आई जस्ट यू नो एनलार्ज इट अ बिट। तो सबसे पहले तो आई हैव बीन यू नो सजेस्टिंग इट फ्रॉम 200 लेवल्स, तो वहां से तो इट हैज ऑलरेडी गिवन यू नो ऑलमोस्ट 2.5 times हो गया था। बट कोई भी स्टॉक यूनिट डायरेक्शन नहीं मूव करता, और ITC तो सटली एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो हो क्या रहा है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल टारगेट क्या होना चाहिए। तो आप ये देखो, ये इसका 2017 का ऑल टाइम हाई था, जिसको इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, और उसके बाद जूम, राइट? तो अगर हमें एज सच टारगेट अगर करने होते, तो आई जस्ट टेक द प्राइस रेंज, राइट? राउंडिंग बॉटम बनना था, यहाँ से मैं इसको करके और यहाँ से इसको पिक करके यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इफ़ यू नोटिस इट विल कम अराउंड 570, तो 570 तक तो इसने जाना ही है, राइट? और लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है 480-490 या 450, वो थोड़ा पैनिक कर रहे होंगे, बट डू नॉट पैनिक गाइस, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, कोई पंप एंड डंप कंपनी नहीं है, राइट? आई विल जस्ट रिमूव दिस नाउ। अब देखो होता क्या है, ये एलिगेटर पे, अब देखिए ये बेसिकली एलिगेटर के पास जब भी आती है वहां से मूव ऑन कर जाती है। तो अब यहां पे भी देखिए, यहां तक गया एक डायरेक्शन में, तो रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, वो रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट नियर इट्स यू नो बॉटम। तो अगर अब यहाँ पे आ रहा है, तो इट मींस अगर आपके पास नहीं है तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। नीचे कहाँ तक जा सकता है, पॉसिबली हो सकता है यहाँ पे टच भी कर जाए 415, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की तरह यहाँ पे टच ना करे जैसे यहाँ पे, राइट? तो अगर दो हफ्ते से देखो ये वाले प्रोडक्ट्स आई मीन 430 का लेवल्स होल्ड कर रहा है, डाउनसाइड कितनी पेंडिंग है,
आई मीन हो सकता है ये 415-20 तक आ जाए, 410 भी पॉसिबल है, राइट? तो आप यहाँ पे हर डिप में थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो, स्टॉप लॉस को 400 के नीचे, यानी कि एलिगेटर के नीचे थोड़ा सा डीप 400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ। हमारे टारगेट होंगे 450 पहला, उसके बाद 495, राइट, और फाइनल टारगेट होगा 570, विच इज अल्टीमेट टारगेट ऑफ आईटीसी। आई विल रिपीट इन इंग्लिश, इफ यू बाय हियर, इफ यू एक्यूमुलेट हियर इन दिस रेंज बिटवीन 400 एंड 430, एक्यूमुलेट स्लोली, मे बी इट विल यू नो टेक सम मोर टाइम हियर, कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 400 फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस हाइज विच कम्स अराउंड 450, नेक्स्ट हाइज 495 एंड द फाइनल टारगेट विल बी 570। द फाइन और यू कैन कीप इट अ लिटिल बिट डाउन 560 और 565, बट आई थिंक इट विल गो टू 570 ऑल्सो। दैट नाउ यू डोंट आस्क मी हाउ मच टाइम, दैट आई डोंट नो, राइट? आई कैन ओनली टेल यू द डायरेक्शन। इट इज पॉसिबल इन यू नो फ्यू वीक्स ऑल्सो, फ्यू मंथ्स ऑल्सो। सो ऑन एवरेज यू ऑलवेज टेक द हायर साइड। तो मान के चलो कि 6-18 months, आई मीन 1 year और 2 year, यू विल हिट द फाइनल टारगेट, बट इट्स अ वेल्थ मल्टीप्लायर। You start accumulating here with a stop loss below 400 or targets of 450, 495 and the ultimate target of 570. बहुत बुलिश टारगेट हैं यहाँ से भी अगर लिया जाए, राइट? तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न पॉसिबल है, 30-35%। तो ब्लू चिप कंपनी है, अगर फॉल्स भी आते हैं तो ये कोई इतना ज़्यादा फॉल नहीं करती, और अगर आ भी जाते हैं तो इट विल यू नो बाउंस बैक। सो आई नेवर यू नो दोज हु फॉलो मी नो आई नेवर गिव एडवाइस ऑन पंप एंड डंप स्टॉक्स, जस्ट वो तो 20-20% भी मूव कर जाएंगे। मैं उन रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, बट दे आर नॉट, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द स्टॉक दैट आई कैन होल्ड फॉर 10 years, आई विल नॉट बाय इट फॉर इवन 1 day। तो आई विल ऑलवेज इनके कंपेरेटिवली रिटर्न लिटल लेस होती है, मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, बट दे आर क्वालिटी स्टॉक्स एंड यू कैन ऑलवेज बी रेस्ट श्योर, यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड दैट यू आर यू नो होल्डिंग सम गुड स्टॉक्स। तो दैट इज ऑल फॉर टूडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।